सो हे गाइस, क्या आपके पास भी क्वाड स्केट्स है जिनके व्हील्स घिस चुके हैं या फिर उन व्हील्स की स्पीड ही कम है और आप अपने क्वाड स्केट के लिए ऐसे व्हील सर्च कर रहे हो जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और उनकी स्पीड भी अच्छी खासी हो, तो अभी आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। और हां, व्हील्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये व्हील्स बेस्ट तो नहीं है लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर में बहुत ही बेस्ट वाले हैं। और इन व्हील्स को आप रिंक में भी यूज कर सकते हो और आउटडोर भी यूज कर सकते हो, रोड स्केटिंग भी की जा सकती है। तो चलिए बिना टाइम पास करे फटाफट से व्हील्स में आपको बता देता हूं और लास्ट में आपको एक चीज और बताऊंगा कि आपके जो क्वाड स्केट हैं उनकी स्पीड लो रहती है, जितना पुश लेते हैं उतना ही चलता है लेकिन जब आप नॉर्मल खड़े हो जाते हो तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो लेट्स गो, पहले व्हील्स देखते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं Amazon पर और जो मैं बजट फ्रेंडली व्हील्स की बात कर रहा था वो यही व्हील्स है। इनका ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मैं कोई ब्रांड प्रमोशन कर नहीं रहा हूं, बस आपको सजेशन दे रहा हूं कि कौन से व्हील्स आपको बजट में लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन व्हील्स की क्वालिटी बताता हूं, कौन सा मटेरियल है, क्या हार्डनेस है और क्या साइज है। तो ये व्हील्स बने हुए हैं PU मटेरियल से जो कि स्केट व्हील्स के लिए बेस्ट मटेरियल भी होता है। और इन व्हील्स की हार्डनेस की बात करें तो वो है 80A हार्डनेस जो कि बेस्ट हार्डनेस होती है रोड स्केटिंग के लिए या फिर स्पीड स्केटिंग के लिए। और 80A हार्डनेस के साथ में आपके जो स्केट व्हील्स है वो शॉक अब्सॉर्ब भी ज्यादा करेंगे जिससे कि रफ सरफेस पर भी आपको ज्यादा शॉक नहीं लगेगा। और इन व्हील्स की साइज की बात करें तो इनका जो साइज है वो है 65mm जो कि नॉर्मली क्वाड स्केट के व्हील्स की होती है। और इन व्हील्स को मैंने पर्सनली यूज भी किया हुआ है जब मैं क्वाड स्केटिंग करता था। और अगर आप इन व्हील्स के रिव्यू में जाकर देखोगे तो मैंने वहां पर रिव्यू भी दिया हुआ है, मेरा वीडियो अलग से डाला हुआ है। जब मैंने इन व्हील्स को लिया था, परचेस किया था और फर्स्ट टाइम यूज किया था तब मैंने इसका रिव्यू भी दिया था, तो आप रिव्यू सेक्शन में जाकर भी देख सकते हो। और अब इसकी क्वांटिटी और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 व्हील्स देखने को मिल जाते हैं सिर्फ 1100 रुपए में। पहले इसकी प्राइस और भी कम थी, लगभग 950 रुपए की थी लेकिन अभी बढ़कर 1100 हो चुकी है। लेकिन इसके साथ में आपको पूरे 16 बेयरिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं, एबेक 608ZZ। Yes. और ये बेयरिंग्स एबेक 7 बेयरिंग से लगभग सिमिलर ही होते हैं। और 1100 रुपए में भी ये वाले व्हील्स वैल्यू फॉर मनी ही है क्योंकि यहाँ पर आपको 8 व्हील्स और साथ में 16 बेयरिंग्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको इन्हें परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इनकी, वहां पर से जाकर आप परचेस कर सकते हो। और अब बात करते हैं हमारे लो स्पीड वाले क्वाड स्केट्स जिनको हम सिर्फ पुश करते हैं तब भी स्केटिंग होती है और जब खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं। ऑब्वियसली जो 1000 या 1500 रुपए में आप बजट के चक्कर में सस्ते वाले क्वाड स्केट ले लेते हो उनकी ही ऐसी स्पीड रहती है। तो अगर आपको उन स्केट की स्पीड बढ़ानी है तो आप अपने क्वाड स्केट के जो लो स्पीड वाले व्हील्स है उनको निकाल कर अभी जो मैंने आपको व्हील सजेस्ट किए हैं उनको लगा दो, आपके लो स्पीड वाले क्वाड स्केट स्पीड वाले क्वाड स्केट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल। सो आई होप गाइस कि आपको आज का व्हील सजेशन पसंद आया होगा, लेकिन नहीं भी आया हो तब भी एक लाइक जरूर कर देना। सो बाय गाइस।